हेलो गाइज एंड वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल मुकेश पंडा ब्लॉग। सो गाइज आज हम जा रहे हैं मेरी वाइफ के साथ, मैं जा रहा हूँ मेरी वाइफ के साथ अनन्या, और जा रहे हैं आइकिया जो हैदराबाद का वन ऑफ द बिगेस्ट स्वीडिश ब्रांड है फर्नीचर्स का। तो कुछ घर के लिए भी देखने जा रहे हैं क्योंकि अनन्या का डिमांड है कुछ जो मुझे पूरा करना पड़ेगा। सो उसी के लिए भी जा रहा हूँ। आप देख ही सकते हो रेडी हो के पसीना पसीना हो गए, बट ठीक है, इट्स ओके। बस निकलते हैं, मैडम थोड़ी सी रेडी हो जाएं तो फिर हम लोग जाएंगे। देख ही सकते हो वो उनका मिरर है, तो अभी आप समझ सकते हो मिरर भी बहुत कुछ लेके आना है, तो बस उसका फाइनल चेकलिस्ट एक बनाने जा रहे हैं एंड होप्स आप लोगों को उसका भी ब्लॉग दिखाएंगे। सो लेट्स गो। ये रही अनन्या, सो हम लोग निकलेंगे। आई क्या फर्स्ट टाइम अभी हम लोग ऊपर जा रहे हैं गाइस। सो गाइस फाइनली हम लोग आ गए थे आइकिया में, और ये एंट्रेंस है, जब भी आप वहाँ पे आओगे तो फर्स्ट एंट्रेंस है एंड इसके बाद जो आपको ब्लू कलर का एरो दिख रहा है वहाँ से ऊपर जाना है। ये एक नॉर्मली एंट्रेंस था जहाँ पे आप बैग कलेक्ट कर सकते हो इन बाकी चीज़ें। फिर मैं और अनन्या एक्सकलेटर से ऊपर चले गए थे और सारे यहाँ पर फोम शॉप्स के सारे डिश वॉशर रखे हुए थे जो मैं अनन्या को एक्सप्लेन कर रहा था। और अभी हम लोग मेन फ्लोर पर आ गए थे जहाँ पर वैरायटी वैरायटी के रूम डेकोर थे, और वहाँ से कोई भी पिक एंड चूज कर सकता है जो भी वो चाहे। एंड सेम चीज़ मैं अनन्या को शो कर रहा था कि कैसी कैसी सारी चीज़ें यहाँ पे हैं, हम लोग क्या क्या ले सकते हैं घर के लिए। कुछ अगर डिज़ाइन देखना तो यहाँ पे अनन्या टेबल देख रही थी जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था हमें, और मुझे वैल्यू फॉर मनी है, मतलब अगर आप आराम से घर में स्टडी करना चाहते हो तो ये भी बहुत अच्छा लगेगा। फिर मैं और वो चले गए थे फर्नीचर सेक्शन में जहाँ पे हम लोगों को कुछ घर के लिए दो डिफरेंट वैरायटीज़ के यू नो किंग साइज़ के सोफ़ाज़ चाहिए थे, मतलब जो इंडिविजुअल लोगों के लिए। फिर वो हम लोगों ने देखा एंड देन बाकी चीज़ों को थोड़ा सा हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे थे। यहाँ पर हम लोगों ने एक और चीज़ देखा जो सोफ़ा कम बेड है वो सारा भी था वहाँ पर जो जाके देखे, और यहाँ पे ये ब्लू कलर का सोफ़ा अनन्या को बहुत अच्छा लगा था। उसके बाद हम लोग चले गए थे वार्डरोब्स में जहाँ पे सारी डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ वार्डरोब थे एंड कुछ अनन्या को पसंद भी आया था वहाँ पे जो उसको देखना था। एंड बहुत ही ज़्यादा क्राउड था, मतलब मुझे लगता था कि यार सो गाइस उसके बाद हम लोग टेबल सेटअप का जहाँ पे सारा अरेंजमेंट था वहाँ चले गए थे, बिकॉज ऑफिस का थोड़ा हम लोग सेटअप देख रहे थे जो कि मैं एक थोड़ा सा छोटा घर पे बना पाऊँ। सो अनन्या ने भी वहाँ पे दो तीन चेयर्स देखे जो उसे अच्छे लग रहे थे एंड देन फिर वो और मैं टॉय सेक्शन में चले गए थे जहाँ वो शार्क के साथ खेलने लगी थी बिकॉज उसको बड़ा मन था वो लेने का। फिर हम लोग आ गए थे बेबी सेक्शन में जो कि यहाँ पे हम लोगों ने देखा। वैसे तो हमारे अभी कोई काम का वो है नहीं, बट ठीक है, अब लोगों ने सोचा कि आपको भी दिखाते हैं। वहाँ से सारा कुछ देखने के बाद मैं और अनन्या यहाँ आ गए थे फूड सेक्शन में जो कि बहुत ही प्यारा यहाँ पे फूड सेक्शन है। ऑल ओवर वर्ल्ड के डिफरेंट डिफरेंट क्विजीन से आप कॉफ़ी से लेके बहुत सारी ऐसी चीज़ें देख सकते हो, खा सकते हो। देन मैं और अनन्या कटलरी सेक्शन पे आ गए थे जहाँ पे देखा कि बड़े ही महंगे महंगे लिटरली गाइज इतने महंगे थे ना, वो ऐसा लगे मतलब यार यहाँ से लेने से बेटर है कि मैं चला जाऊँ बाहर लेने। यहाँ पे जो अनन्या ने सिक्स सेट का फोर्क पकड़ा था इट वाज अराउंड 300 रुपीज़, तो यार वो मुझे कोई वैलिड लगा नहीं। फिर हम लोग जो बाउल है वो सारा भी देखा हम लोगों ने वहाँ पे, सो वो भी अच्छा वर्थ था। नहीं मैं डी मार्ट से भी ले लूँ तो मुझे मत चीपर में पड़ेगा। सो इट इज़ फॉर समबडी हु वॉन्ट्स यू नो हु हैव मनी। बट फिर उसके बाद हम लोग ग्लास सेक्शन में चले गए, तो ग्लास सेक्शन भी है, मतलब आप घर का हर एक आइटम वहाँ से ले सकते हो। तो अनन्या को दो तीन बहुत ही अच्छे अच्छे ग्लास पसंद आए थे, और ग्लास के जैसे वाटर गॉबलेट जो कि बहुत मतलब मैचिंग कर रहा है उसके साथ। सावित्री जैसे हम उड़ीसा में मनाते हैं
हूँ। और यहाँ पे बनता है क्या वो जो चंद्र पूजा ऐसे ऐसे क्या होता है और करवा चौथ, करवा चौथ तो इसमें भगवान को भोग चढ़ाया जाता है। फिर वैसे धीरे धीरे घूमते हुए हम लोग फाइनल वार्डरोब सेक्शन में एक और आए थे जहाँ पे वैरायटी ऑफ कर्टेंस थे, फिर पिलोज भी थे, कुशंस थे, तो डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के थे एंड वो सारा भी एक्सप्लोर किया हमने। अनन्य को बहुत ही अच्छे लग रहे थे सारी चीज़ें, बिकॉज घर में ना एक एलिमेंट अलग कलर का हो तो अच्छा लगता है ना, तो उसे बहुत प्यारा लग रहा था। एंड फिर उसके बाद हम लोग चेकआउट कर रहे थे ब्लैंकेट, ब्लैंकेट का भी सेक्शन था, वो भी बड़ा अच्छा था। बोलो महंगा है ना, नहीं है अपने को लेना है, अपने को लेना है, बट क्या लग रहा है प्राइस वाइज? महंगा लग रहा है गाइस, लिटरली बहुत महंगे महंगे कपड़े यार, देख रहे हो ये देख रहे हो 1700 का, बाप मतलब अगर हम आउटसाइड जाके कोई लोकल स्टोर में देखेंगे आई थिंक सस्ता पड़ेगा, कम आएगा। चलो फिर गाइस हम लोग डेकोरेटिव लाइट सेक्शन में चले गए थे जहाँ पे हम लोगों को कुछ कुछ ऐसे लगा कि लेना अच्छा है, घर के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा और डेकोरेटिव लाइट्स तो चाहिए ही चाहिए क्योंकि एक एलिमेंट घर में ऐड करते थे। तो बेसिकली हम लोग जो गए थे आईकिया वो यही व्यू से गए थे कि थोड़ा घर के लिए हम लोगों को ऐसा लेना है जो कि लुक एंड फील में अच्छा लगे। फिर वहाँ से अनन्या चली गई थी आगे खेलने, बिकॉज उसको खेलने का बड़ा मन कर रहा था, वो देख सकते हैं बच्चों की तरह से ट्रॉली पे चढ़ गई थी और बोली थी चलो मुझे यहाँ पे लेके चलो, वहाँ पे लेके चलो, मैं बोला नहीं मैं नहीं लेके जाऊँगा, तुम यहीं पे खड़ी रहो, तो फिर वो खुद ही खुद अपने से प्ले करने लगी थी। सो फिर वहाँ पे सारा खेला कूदा करके हम लोग निकल गए और फिर एक वॉल सेक्शन में गए थे जहाँ पे सारे क्लॉक्स हैं, वहाँ पे क्या बताऊँ बताने के लायक ही नहीं हो तुम, वो रेट भल लग फिर गाइस आर्टिफिशियल फ्लावर सेक्शन भी वहाँ पे थे जो हम लोगों ने देखा और अच्छा लगा। मतलब घर पे अगर डेकोरेशन करना है और ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं चाहिए तो ये बेस्ट ऑप्शन है गाइस, आप अगर हैदराबाद में रहते हो तो घर के डेकोरेशन के लिए यहाँ से ले सकते हो, बहुत ही ब्यूटीफुल था। अलग अलग इवन दो आपके वास फ्लावर्स में भी रखने के लिए बहुत डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन अवेलेबल थे, तो वो सारे भी हमने देखे, अलग अलग कैंडल्स, फ्लावर्स, पॉट्स, बहुत मतलब बहुत ही डिफरेंट वैरायटी के थे। फिर थोड़ा लेट हो रहा था तो मैं सोचा चलो फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं। एंड ये वहाँ पे वेयर हाउस था गाइस जहाँ पे जो आर्टिकल्स आपको वहाँ पे नहीं मिलेंगे मतलब अंदर, वो आर्टिकल आप यहाँ से पिकअप कर सकते हो और बहुत ही बड़ा एरिया था गाइस लिटरली आपके पास। होता कैसा है ना, जो आप ये देख रहे हो ना, तो सपोज आपने अगर बिल किया तो आप हर जगह तो लेके घूम नहीं सकते, तो आप यहाँ से आके कलेक्ट कर सकते हो सारी चीज़ें। तुमको सिटी का आने का कोई दरकार नहीं, आइटम तो कहीं देवे एडिंग नंबर अच्छी 2421 सेटू 80 बरो पैकेट नहीं की बिल नहीं की ए टू टेक्की की नहीं की पैकेट वाला नहीं की जो अरे सेटू टेक्की का आने वाला दरकार नहीं थी, सब नहीं की पड़े देखो ना बहुत दरकार नहीं। हां ओ चलो जीवा। फिर गए सारा विजिट करने के बाद मैं निकल गया था पिस्ता हाउस जहाँ पे बड़ी तलब मची थी रानी चाय पीने की और अनन्या वहाँ पे पानी पी के हम लोग फिर निकल चुके थे। एंड बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा था, ये मनिकोंडा का एरिया है जहाँ से मैं अपने घर की तरफ जा रहा था। फिर अनन्या और मैं थोड़ा सा रास्ते में कहीं पर रुक के गुपचुप खा लिए। साथ हम शेयर करेंगे कैसा रहा हमारा लाइक मेरा आईकिया में फर्स्ट। और रात में गाइस सीरियसली थी वेशरे का ये आईडी पर बड़ा ही गुड लग रहा था, फिर मैंने बुलाया ने ये कैप्चर कर लिया एंड देन फाइनली रूम पहुंच चुके थे। और ये उल्लू यहां बना रही है सब्जी, वो है लौकी का, और अभी तो हम लोग बिल्कुल हालत में नहीं कि अभी क्या करें, इतना थक गए हैं कि हमें चलते चलते। तो पंकिन और लौकी का सब्जी बन रहा है, मैंने बनाई थी चाय, तो चाय अभी यहाँ पे मैं जस्ट लेके गया हूँ। एंड छोड़ो ये भी ले लेते क्या, चाय चाय तो ले लिए, फिर इतना इतना तुम्हारे लिए मैं नहीं पीती। हाँ हाँ तो बस अभी क्या करना है बताओ, आज का प्लान क्या है? प्लान सच में हम हालत में नहीं है, बहुत नींद पे हैं दोनों और ये लाइट मेरे मुंह पे आ रहा है,
तो अभी हम दोनों आके सो ही गए थे, फैमिली से थोड़ा बातचीत हुआ फिर हम सो गए थे वैसे ही। तो अभी उठ के क्या बनाए, थोड़ा सा लौकी का सब्जी और राइस और पालक दाल अगर हो सके तो बना के बस खा लेंगे हम। ओके, तो ऐसे ही हमारा व्लॉग एंड होता है आज। खाना पीना ऐसे ही है और कुछ ज़्यादा नहीं है। तो आप सबको अगर व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। एंड आज बाबू के चैनल पे मैं भूल रही हूँ लाइक से सब्सक्राइब करने के लिए। सो लव यू ऑल, बाय बाय, गुड नाइट, टाटा। थोड़ा सा चॉकलेट अवॉइड कर रहे हैं अभी, चॉकलेट खाते हैं ऐसा नहीं कि नहीं खाते, बट इसलिए हम फ्रिज में रखते हैं बिस्किट। ठीक है, तो मैंने क्या किया, पहले बिस्किट का एक लेयर दे दिया, ठीक है, एक तो गोल गोल राउंड बिस्किट और थोड़ा सा साइड में जो गैप है वहां पे भी मैंने उसको फिल